आर्यन आपको दिख रहा है? यस ओके गुड। तो ये हमारी आज की हेडिंग है। ओके सभी बच्चे इसको हेडिंग लिखेंगे पहले अपनी नोटबुक में। नाउ यू हैव टू लिसन मी, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स हु डिस्क्राइब द नाउन। यू ऑलरेडी नो नाउन क्या चीज होती है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस थिंग का नाम, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी कोई या तो वो कितना क्वांटिटी में कितना है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ही इज स्मार्ट, ब्रिलियंट, ही इज टॉल, शॉर्ट, एनीथिंग, टी इज कोल्ड, टी इज हॉट, ये जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सुपर्ब। क्लियर? समझ में आई इसकी डेफिनेशन? समझ में आई कि एडजेक्टिव्स हैं क्या? यस और नो? किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बोलेंगे वो। ओके सो वी हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन एज हाँ जी डिस्क्राइबिंग सभी लिखेंगे अपनी नोटबुक में। हाँ जी विवेक बोलो। अभी मैम डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, मैम वो ब्लैक पेन से लिखनी है। हाँ जी बेटा ब्लैक पेन से, हेडिंग्स जो हैं वो ब्लैक पेन से होती हैं, बाकी जो आपका डेफिनेशन है वो ब्लू पेन से होगी। जैसे हमने एडजेक्टिव ऊपर का लिखा है, जो हम मेन चीजें लिखते हैं वो होती है हमारी ब्लैक से, बाकी नॉर्मल हमारा सारा वर्क जो होता है वो ब्लू पेन से होता है, ठीक है। मैम डेफिनेशन ब्लू पेन से लिखनी है। हाँ जी डेफिनेशन आपको ब्लू पेन से लिखनी है। क्लियर? सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स हमारे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, आपकी बुक में भी दे रखी है, ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी रिटन है। बिकॉज ऑफ आर्यन मैं इसमें लिख रही हूं ताकि आर्यन को भी समझ में आ जाए। आर्यन बेटा आ रहे समझ में? प्लीज बताते जाना। ओके बेटा गुड। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट। डन? डन? मैम मिटा दे फिर दोबारा लिख देती हूँ। सो राइट इट डाउन, द हेडिंग इज एडजेक्टिव्स और इसकी आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, Describing words are called adjectives. Fine. अब जैसे हम फ्लावर होता है, फ्लावर के भी अलग अलग काइंड होते हैं ना, कोई रोज हो गया, कोई सनफ्लावर हो गया, वैसे ही हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं
इसके भी अलग अलग काइंड है, ठीक है. दे आर फाइव. हाँ जी बेटा बोलो. सो वी हैव टू राइट अनदर हेडिंग. हमको एक और हेडिंग लिखनी है, उसमें लिखेंगे हम काइंड्स. ये जो मैं बोल्ड में और अंडरलाइन लिख रही हूँ वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है. जो मैं बोल्ड में और अंडरलाइन लिख रही हूँ वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सब ब्लू पेन से लिखना है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. Done. Now, what we have to do, write number one. One is adjective of quality. Adjective of quality. आपकी बुक में भी दे रखा है, आपकी बुक में एक डायग्राम शो हो रखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है. अगर किसी को स्पेलिंग नहीं दिख रही है, पेज नंबर 17 में जो एडजेक्टिव्स का डायग्राम बना हुआ है उसमें पहले दे रखा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है, इसके आगे आप लिखेंगे इसके लाइक, इसके साथ लिखेंगे लाइक बिग कॉमा ब्लैक कॉमा हॉट ब्लैक हॉट अगेन कॉमा देन शॉर्ट और उसके बाद लिखेंगे ईटीसी डॉट एक्सेट्रा. राइट इट डाउन. ये हमने क्या लिखे हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स. These are examples of adjective. These are examples of adjective. ठीक है, लिखने के बाद पेन को छोड़ दीजिए और मेरी बात सुनेंगे सब ध्यान से. क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं. स्मार्ट ब्रिलियंट हॉट कोल्ड लिटिल शॉर्ट दे आर कॉल्ड क्वालिटी. हम कहते हैं ना कि मेरी तो ये क्वालिटी, मैं तो बहुत टॉल हूं. द बॉय इज वेरी टॉल. तो बॉय की क्वालिटी क्या हुई कि वो बहुत टॉल है. So, अगर आपको आता है राइट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
तो आप उसकी क्वालिटी आपके सेंटेंस में पेज नंबर ओपन पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 अब आप नोटबुक छोड़ देंगे ये लिखने के बाद नोटबुक छोड़ देंगे छोड़ दिया ये डन हो गया सबका ये जो लिखा हुआ है रिटर्न में शो मी योर थम्स अप इफ डन ओके सुपर